हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ माय होम माय स्टाइल। तो मैं आज आपके साथ ब्लू हेवन के कुछ और प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अभी ऑनलाइन परचेज किए थे। आपको पता ही है, मैंने थोड़े दिन पहले अभी ब्लू हेवन का हाई कवरेज फाउंडेशन का रिव्यू डाला था और दैट वाज अमेजिंग फाउंडेशन फॉर मी और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया फाउंडेशन। तो मैंने सोचा कुछ और प्रोडक्ट्स भी मंगाए जाए ब्लू हेवन के, तो वही सब मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसे जरूर क्लिक करिए, उसी से मेरे आगे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। वैसे मेरी जो वीडियो है वीक में 2 टाइम्स आती है, मंडे को सुबह 10:30 बजे आती है, थर्सडे को रात को 8 बजे आती है, तो उस टाइम पे आप जरूर जाके देखें मेरे चैनल पे, तो आपको एक नया वीडियो जरूर मिलेगा। और प्लीज जो बैक में नॉइस आ रही है, आवाज आ रही है, वो बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दोनों साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, बट मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी बार जो मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए हैं ब्लू हेवन के, वो सारे के सारे आई मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, और उसके बाद मैं और भी ट्राई करूंगी ब्लू हेवन के जितने भी अभी नई रेंज आ रही है ब्लू हेवन की, अभी आई है थोड़े दिन पहले, वही सारे मैं धीरे धीरे करके ट्राई करूंगी और आपको भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने जो मंगाया है वो ये मंगाया है काजल। ये ब्लू हेवन के 3 काजल मंगाए हैं और ये तीनों कॉम्बो पैक में मुझे मिले थे, और ये मैंने वेबसाइट से मंगाया है, कर्व्स एंड लैशेस वेबसाइट से, जहां पे 15% ऑफ चल रहा है। आई डोंट नो, जब तक ये वीडियो पहुंचेगी शायद मे बी हो मे बी ना हो, आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये मैंने कॉम्बो पैक में मंगाए थे और जो ये मुझे कॉम्बो पड़ा है वो 299 रुपीज का कॉम्बो पड़ा है तीनों काजल का, और यही 3 रेंज है अभी काजल की। ये ब्लू काजल है और ये ब्लैक है और ये ग्रीन कलर का काजल है, जिसका 125 MRP है, ईच काजल का 125 MRP है। तो जो मैंने अभी ब्लू काजल लगा रखा है वो यही है, और ये काजल मुझे काफी पसंद आया क्योंकि पिगमेंटेड बहुत है, और काजल ज्यादातर आपको पिगमेंटेड हो तो भी अच्छा लगता है, तो आप उससे आईलाइनर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है 3 आई शेडो ब्लू हेवन के, और काफी अफोर्डेबल है, और अभी 15% ऑफ भी मिल रहा है आपको प्रोडक्ट्स पे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने जो मंगाया है वो ये है ब्लू हेवन का वॉक फ्री मस्कारा, और वाटरप्रूफ और लॉन्ग लैश मस्कारा है, और जिसका प्राइस है वो 125 रुपीज का है, लेकिन ये भी इसमें मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला, ये मुझे 125 रुपीज का ही मिला है, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा था। और स्मज प्रूफ मस्कारा है, और मैंने अभी मस्कारा यही वाला यूज किया हुआ है अपने आई लैशेस पे, तो ये काफी कलर में आता है, एक कलर तो सेम ही है, ब्लैक कलर का ही मस्कारा है, लेकिन जो इसकी आउटर पैकेजिंग है वो काफी कलर में आती है, ब्लू ग्रीन येल्लो ब्लैक काफी पैकेजिंग में आता है, तो कुछ इस तरह से है ये मस्कारा, और काफी अफोर्डेबल है, तो आप इसे भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है वो है ये स्केच का आईलाइनर, स्केच आईलाइनर है ब्लू हेवन का, और ये लॉन्ग बियर आईलाइनर है, और जो स्मच फ्री और वाटर प्रूफ आईलाइनर है, और जिसका MRP है 225, जिसमें आपको 1 ml प्रोडक्ट मिल जाएगा, और जो मुझे ये पड़ा है वो आप 150 रुपीज का पड़ा है, तो इसमें मुझे डिस्काउंट मिला है इस वाले प्रोडक्ट में, और काफी पसंद आया है ये आईलाइनर, मैंने अभी यही लगाया रखा है। जो बिगनर्स होते हैं ना उनके लिए स्केच आईलाइनर बहुत अच्छे होते हैं, वो आराम से ड्रॉ कर पाते हैं स्केच आईलाइनर से, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, काफी अफोर्डेबल है। जो नेक्स्ट मैंने प्रोडक्ट मंगाया है वो है ये लिक्विड आई शेडो ब्लू हेवन का सफायर लिक्विड आई शेडो, और जो शेड है 002 शूटिंग स्टार, और जिसका MRP है 175 रुपीज का, और ये मुझे 148 रुपीज से पड़ा है, इस पर मुझे डिस्काउंट मिल गया है 15% का। तो ये आई शेडो मैंने अभी लगाया हुआ है लिक्विड आई शेडो, इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो पार्टिकल्स है ना, जैसे ही आप प्लेस करते हैं तो ये ब्लेंड नहीं हो पाते, जहां पे आपने प्लेस किया है वहीं पे रह जाते हैं, बहुत मुश्किल से मैंने इसे ब्लेंड किया है, एक बार अगर आपने लगा दिया तो फिर ये ब्लेंड होने में बहुत दिक्कत करते हैं, बस यही है। हाँ, अगर आपको कहीं प्लेस करना है, जैसे इनर आईलिड पे आपको प्लेस करना है, तो ये बहुत अच्छा आपका ये आई शेडो है लिक्विड आई शेडो, वैसे ये ब्लेंडिंग के लिए नहीं है, ब्लेंड नहीं हो पाता ये आई शेडो।
जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये ब्लू हेवन की सिग्नेचर वाइब्रेंट आई शेडो पैलेट, और ये मैंने 01 शेड में मंगाया है। इसमें भी चार पांच तरह के शेड और हैं और आते हैं, तो मैंने 01 शेड मंगाया है जिसका एमआरपी है 225 रुपीज का, लेकिन ये मुझे पड़ा है 190 रुपीज में। और काफी तारीफ सुनी थी मैंने इस पैलेट की, तो मैंने सोचा क्यों ना मंगाया जाए। तो आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह से ब्लैक कलर में होती है, और अगर आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की आपको पैलेट मिलेगी। ट्रांसपेर जैसे ऊपर से ट्रांसपेरेंट है, आप आराम से देख सकते हैं कौन कौन से कलर हैं। तो इसमें 6 कलर्स आपको मिल जाएंगे, 6 आई शेडो मिल जाएंगे, और ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये 6 आई शेडो हैं, और इसके साथ आपको ब्रश भी मिल रहा है। तो जो ब्रश है वो काफी हैंडी है, ऐसा नहीं है कि आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे, आराम से यूज कर पाएंगे। आईब्रो फिल्स वगैरह फिल भी कर सकते हैं आराम से, काफी अच्छा है। जो इसके ब्रिसल्स हैं काफी अच्छे हैं। तो आपको ये 6 कलर मिलते हैं इस वाले शेड में, 01 शेड में, येलो, ग्रे, ब्लैक, पर्पल, ग्रीन एंड ब्राउन कलर। तो इसे आप ब्लैक और ब्राउन मिक्स करके आप अपना जो आईब्रोज है वो भी फिल कर सकते हैं, और काफी पिगमेंटेड है ये आई शेडो। देखिए मैंने अभी पर्पल, ब्लैक कलर और ब्राउन कलर से अपना आई शेडो क्रिएट किया है, तो काफी पिगमेंटेड है। तो मैं आपको इसके फिंगर स्वच दिखा देती हूँ, येलो, ग्रे, थोड़ा फॉल आउट होता है इस वाले से शेडो में, और सारे के सारे मैट कलर हैं आपके, कोई भी ग्लिटरी कलर नहीं है, शिमरी कलर नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले येलो कलर, पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है सब कलर्स की, और ये है ग्रे कलर, ये है ब्लैक कलर, ब्लैक कलर की देखिए कितनी अच्छी पिगमेंटेशन है, और ये है पर्पल कलर, और ये है आपका ग्रीन कलर, और ब्राउन कलर मैं दिखाती हूँ आपको इस वाले हैंड पे। तो ये है ब्राउन कलर की पिगमेंटेशन जिससे आप क्रीज लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। तो जो ओवरऑल ये आई शेडो है मुझे काफी अच्छा लगा है, बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि फॉल आउट होता है। तो आप कोशिश करें कि जब आपने बेस मेकअप ना लगाया हो उससे पहले अपना आई शेडो क्रिएट कर लें, अगर आपको ये वाला आई शेडो यूज कर रहे हैं तो, और अदरवाइज ये पिगमेंटेड बहुत है और मैट कलर है, काफी अच्छे से ब्लेंड होते हैं कलर, बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं है इस शेडो में। बस एक यही है कि ये फॉल आउट होता है, हल्का सा होता है, वो भी ज्यादा नहीं होता। तो ओवरऑल जो ये आई शेडो पैलेट है काफी अच्छा लगा मुझे। तो ये थे सारे के सारे जितने भी आई मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट जो मैंने ब्लू हेवन के मंगाए थे, और सब पे थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट मिला है। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जिसपे मुझे डिस्काउंट नहीं मिला है, और वो है ये मस्कारा जिसपे मुझे डिस्काउंट नहीं मिला था। तो आगे भी मैं और प्रोडक्ट्स मंगाऊंगी ब्लू हेवन की नई रेंज जो आई है, उनके प्रोडक्ट्स मंगाऊंगी और उनके रिव्यू भी करूंगी और उन्हें आपको यूज भी करके दिखाऊंगी। तो ये था मेरा पूरा वीडियो, होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर न्यू वीडियोज।